Hi guys, I'm Alyssa. This is Sean. Gus is in our hearts. And this Say it is with in, me. Well, Gus is in our hearts. Okay, let's do it one more time. Hi guys, I'm Alyssa. This is Sean. Gus is in our hearts, hearts. And this is in our little daily. Yeah. We're here. We're here. An effort was made. Sorry, guys. I'm a little bit slow today, but that's okay. This is going to energize me up. This is the, fifth episode of Dindora? Yes. Wow. So the last one, we had sort of the big reveal that it was the mother's brother who's actually been behind a lot of this this trickery here that's been going on. So now I've been noticing the name of this episode for a while. This one's called Erection in Progress. So I guess Let's we'll find out. See what's in store for us today. Maybe involving Bablu and his little Blablu. मेरे पैसे कब देगा टीटू मुझे तो लगा वो गिफ्ट था पैसा कभी तोहफा नहीं होता और पलंग कभी सोफा नहीं होता बाकी शो भाभी जी आपने जो वादी की है ना उससे तो इस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा लिफ्ट लगा दोगे I don't even know what that girl sees in him. Let's be honest. मुझे पता किसने किया किसने वेंच He's a nice guy. हेलो हाँ लखन नहीं मैं किसी काम से दिल्ली आया था अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ लौटा दूंगा तेरे पैसे तुझे इग्नोर कैसे करूंगा तू क्या क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है ठीक है बच्चे क्या अच्छा गाली देख गाली देने की ऐसी कोई बात है नहीं मैं बस थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ हाँ बात करता हूँ बाद में ओके हाँ कविता अरे नहीं यार किसी काम में फंसा हुआ तुम बताओ अच्छा मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट कितना बड़ा है 10 इंच मतलब सीधा पेट तक What is he talking about? अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का Oh no. Oh, it was by accident. Oh god. ये मैंने क्या कर दिया? चल भाग टीटू. Oh my goodness. अगर अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग को बिना सुने मारेंगे. दीदी को बाद में समझा दूंगा. Sorry दीदी. God. तो ये हुआ था. दीदी मेरी बात सुनो. क्या सुनूं? मेरी बात तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं सच्ची नुप्शियल चेन सुहाग छीनने की कोशिश करी दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूं स्वैग मेरा सुहाग माय जेनिटल मैन जी जल्दी तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा माय जेनिटल मैन अरे बोलो ना दीदी चाय एक मेरी भी अरे वो बाघ बकरी जरूरी बात का जवाब दो ना जैसे ही पता लगा कि हमें लॉटरी लगी है तूने अपने जीजा जी को मारने की साजिश करी दीदी मुझे लॉटरी के बारे में तो आज पता चला जब तू छोटा सा था तो तेरे हर छोटे ख्वाब में पूरे करती थी बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके अपने कान खुजा सके इसीलिए टांग काट के इसको देती थी ये बेड पे मूत्रा दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा में इसको सुलाती थी Why would she do that? इसके कमरे के बाहर पैरा देती थी ताकि ये चैन से फैल कर आराम से योगा कर सके याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी तू Oh no Oh no Oh God कमरे में घुसते ही फिसल जाती थी सब भूल गया कहीं नहीं होता था लेकिन Oh gross Oh God That's disgusting. मत बुला मुझे दीदी बहना मत बुला मुझे बहना आपा निकल जा मेरे घर से आज के बाद मुझे एक खूनी चेहरा मत दिखाई हो आज से ना मैं तेरी बहना ना तू मेरा टिटू तुम मुझसे रूठ जाओगी तुम मुझसे रूठ जाओगी Sorry to pause. Did you ever figure out? You said there was a new Dindora song out. Someone said. So yeah, someone said that. I don't know what they're referring to, but we got a new Dindora song here. Yeah.
The first Dendora. Maybe there'll be a second. Yeah, maybe there'll be season two. कैसे कैसे दिन दिखाता है ऊपर वाला. खैर बेटा इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दे और आप आज जल्दी सो जाना. क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है. क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है. क्या चल रहा है? लॉटरी का आता पता ही नहीं है. टिकट पापा लॉटरी का है. अरे भाभी जी, भाभी जी. Is it still in his like hat? Yeah, they still haven't. Or in his head cover? That should be their main focus. अरे नहीं, आपके पति हमारे करोड़पति. बबलू जी आइए आइए. क्या हो गया? अरे बाहर तो आइए एक बार. Oh God. बबलू जी आ गए भाई. बबलू जी आ गए. आपके प्यारे बबलू जी. आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है. बबलू जी, पूरी कॉलोनी को आप पर नाज है. आपको चंद्रयान दो या was that that spacecraft? आपको चंद्रयान दो याद है? Yeah. जी जी. तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान दो के समान है. पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए. कुत्ते फेल हो गए. बच्चे फोटो खींचकर हैशटैग रिच लाइफस्टाइल. मर्द मर्रा छोड़कर जेडी पर आ गए. ओह गॉड. औरतों ने जो गहने लॉकर में छिपाकर रखे थे अपनी ननद के डर से वो उन्हें आज पहनकर शान से घूम रही. एवरीथिंग इज चेंज्ड. बताइए क्यों? ऑल बिकॉज़ ऑफ मिस्टर बैबलो. लगता है कि बढ़िया दिन आ गए. इनकी जिंदगी बदलने वाली है. और कैसे कैसे बदलने वाली है? With money for Mr. Bablu. आप करेंगे इन सब लोगों का भला. हाँ, आपकी इसी दानवीरता, उदारता के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं. हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला. पुतला? दुबे जी, वो GPS ट्रैकर है ना, उस पे नाम लेते वक्त स्पेलिंग सही कहीं बबलू का बबले ना हो जाए. अरे भाई, हमारे चहीते का पुतला लाओ, लाओ भाई. Oh no! A Bablu cut out. अब फोटो हो जाए क्या ये? I like this guy. और स्माइल मैच कीजिए इससे. और हाथ में लॉटरी पकड़िए. हाँ. इसको कहाँ रखेंगे? बेंच पे? अरे नहीं, ये तो छोटा है. फर्स्ट ड्राफ्ट. फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा. What a waste of money. इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपको. It'll be like in Was that Bahubali, the big statue? अरे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. आप सिर्फ वादा कर दो वादा. लेकिन हमें मंजूर है. अरे भाभी जी को मंजूर है. नाचो भाई, नाचो. Oh God. Look at them, they're feeding him. That seems to be like an Indian tradition and custom I've noticed a lot. I'd be curious to know more about it. Oh, he's on another date. Ah, let me guess, she's paying again? Again. She doesn't look too happy. क्या हुआ भुवन? कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा. Okay. अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता है मुझे. Charades. पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा. He'll be fine. ऐसे केसेस में टाइम इज क्रूशियल. एक बात बताओ, ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली आती है? डिपेंड करता है. कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरीज. अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था. उसको अपनी बीवी के अलावा सब याद था. क्या? Lucky guy, huh? Or he was just pretending. Yeah, I think that's the insinuation. ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो. कैसे ना लूं टेंशन? घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है. और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े. और आज तो पापा ने मम्मी को बहन जी बोल दिया. Oh wow. बहन जी? तुम कब जा रही हो? इनविटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने. She cuz she's going to school in the UK. एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखेंगे. So you're passionate about music. What's your taste like? Elton John, John Mayer, U2, Ghulam Ali, Mehndi Hasan Sahab, Jagjit Singh. जब मैं उदास होता हूं तो मैं कुमार सानू सुनता हूं. जब मैं खुश होता हूं तो मैं ब्रूनो मार्स सुनता हूं. जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं तो लकी अली. ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक म्यूजिक में टेस्ट नहीं. Is she falling for him?
Yeah, she's probably, she must have, it must be all the stress of her job. Yeah. Nothing. Music school, jaun na jaun. Does this guy even have a job? Opposites attract. She's like a doctor and... And he's a ne'er-do-well. Yeah. क्या हुआ मामा जी आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया बेंच दीदी और भांजे दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया हमें भी ये लगता है सबको लगता है पापा को टीटू मामा ने उड़ाया तुम्हें क्या लगता है हम तो आपकी टीम में बेंच यही तो दिक्कत है जिम्बाब्वे की टीम लग रही है ये सारे फालतू प्लेयर एक 35 में बना वे मेबी दैट्स अ स्पोर्ट्स रेफरेंस ऑफ सम सॉर्ट आपके तुम्हें पता है जब दीदी की शादी हो रही थी ना केजरीवाल के साथ पूरे परिवार में कोई इतना नहीं वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा रही थी इसलिए मेरे को शी वाज लीविंग द हाउस खुद इतना स्कूल नहीं गई लेकिन मुझे छोड़ने रोज जाती थी आई एम नॉट शॉक्ड शी डिडंट गो टू स्कूल वो तो जब मैंने साइंस के टीचर को चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया दीदी ने हड़को हाकू मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था मैंने चाकू मार दिया आते बाहर ओह गॉड 165 ml बना बे बना वही दीदी आज मुझे खूनी समझ रही है दैट सेम ब्रदर ऑफ माइन थिंक मैं खूनी हूं क्या आयरनी खूनी हूं मैं खूनी हूं ही इज प्रोबब्ली अ मर्डरर जस्ट नॉट हिज ब्रदर इन लॉ मतलब आप स्कूल के दिनों से डेयरिंग थे सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूं मैं और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है वो थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है जिस तरह मामा उनको समझा रहे थे उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ और भी है जो हमें नहीं पता देन टॉक टू हिम रोटी नहीं चाहिए मदरचोद मैं तेरे को पौवा पिलाया ले ले डू इंडीड डू ले ले That's a good song. Like a Bollywood movie with the music. But I think they're sort of acknowledging that he's just singing somewhat. Oh, cool. Yeah, she signed the... She forged the paper. Oh, gross. What, like, does he mean literally wipe his ass? I don't know. She certainly wiped up other things. Ugh. Mama. Small world, huh? Yeah, no kidding. अरे भांजे, बैठ. नहीं नहीं, बैठो. अच्छा, आप बैठ, तू बैठ ही. क्या लेगा भांजे? मैं नहीं पीता मामा. Very good. This is poison, बेटा. This is for underconfident people to make them look overconfident. है मेरा पैसा किधर है? बेटा, मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा. जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गए Sorry, I think that was a different alarm. Sorry, I'm just gonna rewind slightly. Sure. Oh, someone was saying that you can use the back or the arrow buttons and they're wondering why you don't do that. So actually, that's a good point. I think you can just tap. I think you can literally tap those arrow buttons to go back like 5 seconds at a time. All right. Never knew that. Thank you, person. Life changing. Yeah, it's going to change everything. The other things, I think you click up top or something, or you... So now we've got the shortcuts. We're YouTube pros now. Welcome to the big leagues, Alyssa. No one told me that. All right.
बेटा मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा। जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया, वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गए मुझे नहीं पता। Yeah, it's his fault because he didn't answer his phone. हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए, दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की, यानी कि मेरी गलती है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते। Something need to have their own face. I learned it from Kavita. We heard him talking to, but who is? Go slow. Take your time. Build the momentum. Oh God. Mama, I'm sorry. मैं आपकी टीम में हूँ अब. अब बनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम। मैं यूवी हेल्प। पर पता कैसे चलेगा किसने किया? अरे हाँ, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा? So that would be there was no video camera. Closed caption television closed circuit. Bartender भी है। मिलेगा। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे कैसे कूदे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक रास की बात। Of course. Throw it at his face. भाई क्या भोसड़ पप्पू है ये? मौका है वारदात के ठीक सामने खंबा है जो कि बहुत लंबा है, उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद। Oh wow. Happy birthday, Sunana. I have a feeling maybe the uncle thinks he ran over him, but I'm wondering if like something else. फिर तो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? रही नहीं। 20 रुपए दोगे तो मुंह में डाल के चले। उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजा? मैं झूठ बोल रहा हूँ। नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुनाना जल जीरा फॉर यू कमिंग बेबी। तू पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। हट हट यार। Oh. How did he get this video? Here we go. He actually gave it to him? I bet you there's going to be something else we didn't see. I know it. Because it just keeps getting more complicated, right? Oh. Okay. Mama, hola. Hey, beta, como estas? Gracias, Macarena. Mama, hola. Oh, don't end now. Let us see. Let us see. Oh God, it's gonna end. Yeah. Wait. मेरा फलावर आता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं, बेटा, चारों एक साथ जाएंगे। VFX करने में गांड फट जाएगी। Get it? What? I don't know. It's yeah. He was saying, he was joking. So he said if all four of us to go together, the VFX guy's gonna go nuts. He's the special effects? Yeah. Like he's breaking the fourth wall because obviously any time where there's multiple of him on the screen. Oh yeah, he's playing himself all the time. Okay. Yeah. I didn't know what they meant by VFX. Video effects, yeah. Video effects. Yeah. Oh, he did push him. Oh! Him! Oh! Sneaky, sneaky. Ah. Now, we saw that guy in another episode, and I don't think either of us really knew who he was. I think he works with the dad. He's sort of like, I think he's an enemy of Bablu. And actually, one of our friends, I think Bab and Preet and a couple other people were telling us more about him. So wasn't he the one that gave Bablu the note when he read his boss? Oh, I don't remember. Jeez, that's been a while. But I might have to refresh myself on that one. Maybe it wasn't him, but he was like listening out. He was outside the door at the workplace. Mm. He works with him, I guess. I think it's his coworker. What I do know is that he's up to no good and that I suspect we're going to find out exactly what's going on in the next episode. Mm-hmm. And there's 8 total, right? Yeah. So we're like a little more than halfway through. It's only like a few more. Ah! But we can hope for another season. Mm-hmm. And if you guys want to go along on this journey with us as we wrap this season up, then you'll want to click the subscribe button, click the bell, choose the all so you can get updated every time we upload. Like, if you enjoyed this, please. And if you're logged into YouTube, you're going to see a super thanks button. You can click that if you're feeling in a donating move. In a donating mood. You're able to. We love you a whole lot. This is Internet Rabbit Hole Daily. All right, sign off. Bye. See you next time.